जी हाँ, थंबनेल देखकर आपको लगा होगा क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन ये सच है। नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज शुक्रवार सुबह नरेंद्र मोदी जी की माता का देहांत हो गया है। वो एक बहुत ही अनुशासित महिला थी और इस 100 साल की उम्र में भी वो अपने कार्य खुद निपटाती थी, बहुत ही अनुशासित रही। सबसे पहले अगर जन्म की बात करें तो उनका जन्म पालनपुर, मेहसाणा के पालनपुर में हुआ था, जो गुजरात में पड़ता है। और बचपन में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, जो कि स्पेनिश फ्लू महामारी की चपेट में आकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो इसके बाद में इन्होंने कभी अपनी माता को नहीं देखा और 15-16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद में अपने बच्चों को उन्होंने कभी बाहर से दवाई लाकर नहीं दी। कभी भी नरेंद्र मोदी जी को या किसी को कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती थी तो घर पर ही उनका इलाज करते। और इस तरह से वड़नगर के अंदर जितने भी छोटे बच्चे या महिलाएं थी, उन्हीं के द्वारा अपना इलाज करवाते थे और उन्हें डॉक्टर कहते थे। वो उन्होंने अपने जीवन के कुछ पल दूसरों के घर में बर्तन जाकर भी धोए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और आज उनका बेटा प्रधानमंत्री है। वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन उनके संस्कार हमेशा नरेंद्र मोदी जी के रूप